हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो एग्जांपल थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो देखो, 5.1 में 3 क्वेश्चन में और 3 क्वेश्चनों में खूब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं कुछ जो टफ्स हैं वो कराऊंगा और बच्चे कुछ आप सबको ही करने होंगे, ठीक है। जैसे मैं कराता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 5.1 के फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए और डी फाइंड करना है। तो हमें गिवन है 6, 9, 12 एंड 15, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फाइंड ए तो फाइंड करने की जरूरत है नहीं। तो ए बराबर क्या हो गया, 6। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो ए हो गया अपना फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डी। तो डी कैसे फाइंड करेंगे, ये ए है, ये ए वन है। तो ए वन माइनस में ए, यानी 9 - 6 = 3। फिर दोबारा चेक कर लो, चेक करना हो तो ए टू में से ए वन माइनस कर दो, 12 - 9 कितना हो गया, 3। तो अपने पास D कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड इजी है, थर्ड करा देता हूं मैं, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड बिल्कुल इजी है। 3 upon 2, 1 upon 2 - 1 upon 2 - 3 upon 2, यही है। तो सिंपल सा है फर्स्ट टर्म, तो 3 upon 2। अब हमें निकालनी है कॉमन डिफरेंस डी। तो ए वन में से माइनस कर देते हैं ए, तो ए वन अपने पास 1 upon 2, इसमें से माइनस करो 3 upon 2, ठीक है। देखो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 2, कितना आया 2, तो 2 and 1, 2 and 2, 3, कितना आ गया, -2 upon 2 - 1, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, ए टू में से ए वन माइनस कर लेते हैं, तो ए टू अपने पास है -1 upon 2, उसमें से माइनस करेंगे 1 upon 2। तो देखो -1 upon 2 और -1 upon 2 - 1, तो ए 3 upon 2 और डी अपने पास आ गया -1, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। अब इसका फोर्थ भी सिंपल है, फिफ्थ भी सिंपल है, 6 और 7 सारे सिंपल है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर भी मैं फिफ्थ करा देता हूँ, -1, 1 upon 4 and 3 upon 2। तो ए तो अपने पास क्या आ गया, -1। डी फाइंड करते हैं, ये ए है, ये ए वन है, तो ए वन में से माइनस करेंगे ए, 1 upon 4 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 1, एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 1, 4 + 5 upon 4 आ गया। अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, 3 upon 2 में से 1 upon 4 माइनस करते हैं, एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 2, 6 - 1, 5 upon 4, ठीक है। तो डी अपने पास कितना आ गया, 5 upon 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अब सेकंड जो है इसका है, इफ फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिव एज फेलो व्हेन राइट फोर टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो अब हमें क्या गिवन है, ए और डी गिवन है और हमें फोर टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो फोर टर्म हमें बनानी है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट से ही कराता हूँ। देखो सेकंड का फर्स्ट, ए हमें गिवन है -1 एंड डी हमें गिवन है 1 upon 2। अब हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फोर टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो अपने पास है ही, फर्स्ट टर्म तो अपने पास आ गई -1,
ठीक है। अब हम सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस में d, कैसे फाइंड करेंगे हम, a प्लस में d करके। तो a अपने पास क्या है, माइनस वन, उसमें प्लस करेंगे वन अपॉन टू। तो देखो वन में से प्लस वन अपॉन टू गया तो माइनस का वन अपॉन टू रह जाएगा। सेकेंड टर्म अपने पास क्या आ गई, सेकेंड टर्म अपने पास आ गई माइनस वन अपॉन टू। अब हम फाइंड करेंगे a2, तो a वन में ऐड करेंगे d, यानी कि माइनस वन अपॉन टू में ऐड करेंगे प्लस वन अपॉन टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। अब हमें a थर्ड में करने के लिए क्या करेंगे, a2 प्लस में d, यानी जीरो में ऐड करेंगे वन अपॉन टू, तो अपना आ जाएगा वन अपॉन टू। वैसे भी देखो सिंपल सा है, माइनस वन है और कॉमन डिफरेंस है कितने का, हाफ का, तो माइनस वन के बाद आएगा कितना, वन के बाद आएगा माइनस हाफ, फिर आएगा जीरो, फिर प्लस हाफ, फिर वन, अब क्या आ जाएगा देखना, वन आ जाएगा। ए फोर ए थ्री प्लस में डी, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, कितना होता है वन अपॉन टू और वन अपॉन टू, वन, कितना होता है वन। तो ये अपने पास ए और डी गिवन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक निकाल दी मैंने टर्म, ठीक है। अब हम इसका करते हैं कौन सा क्वेश्चन, इसका करते हैं हम थर्ड, कौन सा करते हैं थर्ड। ए हमें गिवन है 0.6 एंड डी हमें गिवन है 1.1। तो ए तो हमें गिवन है, ए टू फाइंड कर लेते हैं, सॉरी ए गिवन है, ए वन फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस में डी, देखो इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1.7। अब इसमें फिर 1.1 ऐड करते जाओ, तो देखो 1.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8, फिर हो जाएगा 3.9 और फिर हो जाएगा 4.0। वैसे हमें तो 1, 2, 3 एक गिवन है और फोर टर्म और निकालनी है, तो ये आ गई अपने पास फोर टर्म, ठीक है। तो इसका हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब कौन सा चेक करते हैं हम जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, और तो इसमें ऐसा डिफिकल्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ। जैसे 6 है -1.25, इधर कर लेते हैं हम, ए हमें गिवन है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है जी, -0.25, ठीक है, यानी कि -0.25 का सब में डिफरेंस है। तो देखो ए अपने पास गिवन है, तो ए वन फाइंड करेंगे कैसे, ए प्लस में डी, ए अपने पास है -1.25, तो प्लस करेंगे माइनस ही हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 0.25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 1.50, ठीक है। अब सब में ये आ गया, अब इसमें 0.25 ऐड करते जाओ, देखो 0.25 ऐड करेंगे ना इसमें तो कितना आ जाएगा 1.75, फिर अपने पास ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, फिर 2.25 बन जाएगा, फिर 2.50 बन जाएगा ना, कितनी ही सीरीज़ हम, कितने इसने तो फोर टर्म निकाल पूछी है, हम कितने ही इसमें टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये भी सब किसके आ जाएंगे, नेगेटिव कहेंगे, बस ये ध्यान रखना है। ये था 6, अब मैं आपको एक 7 भी करा देता हूँ इसका, देखो 7 है, a है 20, d है -3/4, 20 है तो a और d है -3/4। तो देखो अब हमें ए वन फाइंड करना है, तो ए प्लस में डी, ठीक है, तो ए अपने पास है 20, इसमें ऐड करेंगे या माइनस है तो माइनस का 3/4, ये माइनस का है ना, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस, देखो एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 4, कितना आएगा एलसीएम आएगा 4, तो देखो ये तो हो गया 4, ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 माइनस में 3, ठीक है, तो कितना हो गया 77/4। नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 77/4। अब हमें निकालनी है a2
तो ए वन प्लस में डी, ठीक है। तो ए वन अपने पास कितना है, 77 अपॉन 4, उसमें से माइनस हो जाएगा 3 अपॉन 4, तो एलसीएम आ गया 4, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 74 अपॉन में 4। तो देखो माइनस 3, अब माइनस 3 माइनस 3 कम होता चल जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा 71 अपॉन में 4, फिर आ जाएगा 68 अपॉन में 4। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, 7th, कौन से का सेकंड का 7th, ठीक है। ये हो गया अपना अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, उसमें हमें करना है चेक फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, इफ एनीवन इन दिस एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो राइट द नेक्स्ट फोर टर्म। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले चेक करना है कि वो जो हमें ये सीरीज जो दी गई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डी और नेक्स्ट फोर टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही कराता हूं, देखो मैं थर्ड का फर्स्ट, टू 5 अपॉन 2, 3, 7 अपॉन 2। सबसे पहले चेक करते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, हम सब में कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल 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 है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखो डी फाइंड करते हैं, ये a है, ये a1 है, ऐसे लिख लिया करो अगर सब प्रॉब्लम हो तो, ये a2 और ये a3 है ना। तो देखो a1 माइनस a, तो 5 अपॉन 2 में से माइनस किया 2, ठीक है, एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, कितना आएगा 1 अपॉन 2। देखो वैसे भी पता चल रहा है देखने से, ये है 2, ये 2.5, ये 3 एंड ये 3.5, 7 अपॉन 2 कितना होता है 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 2 कितना होता है 2.5, यानी कि हाफ, यानी कि 0.5 क्या हो रहा है, सब में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो सिंपल सा ही है, 1 अपॉन 2 यानी डी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। देखो और अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, अब किस में से ए टू में से माइनस करते हैं कितना ए वन, तो यानी कि 3 में से माइनस करेंगे 5 अपॉन 2, तो एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अपने पास ए क्या आ गया, ए तो है अपने, एक तो फाइंड नहीं करना, डी कितना आ गया 1 अपॉन 2। अब हमें नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है, तो देखो नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करना भी बिल्कुल क्लियर है, ये तो है 7 अपॉन 2 यानी 3.5, तो देखो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो इससे नेक्स्ट टर्म होगी 4, फिर होगी कौन सी 9 अपॉन 2, फिर कौन सी हो जाएगी 5, ठीक है, फिर हो जाएगी 11 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 4.5 होती है, 11.2 कितनी होती है 5.5, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका सेकंड जो है, ये सब में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2, तो देखो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सबके बीच कॉमन डिफरेंस कितने का है 0 का, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और नेक्स्ट फोर टर्म भी यही होंगी -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है ना। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है
सीरीज़ है और ये इसका आगे कॉमन डिफरेंस कितना है, ज़ीरो। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर फोर कराता हूँ। कौन सा कराता हूँ, फोर। रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन और रूट ट्वेल्व। ठीक है, देखो देखने में ये क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है ना, बट ये इतना इजी है नहीं जितना आपको लग रहा है। देखो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व लग तो ऐसा रहा है ना, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री का डिफरेंस है, तो इसमें डी आ जाएगा रूट थ्री। और आगे तुम लिखना चाहोगे तो रूट फिफ्टीन और रूट एटीन है ना, फोर टर्म निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके डी फाइंड करते हैं, ए वन माइनस ए, रूट सिक्स में से माइनस करेंगे रूट थ्री। ठीक है, तो देखो ऐसे तो इसमें माइनस होता नहीं है रूट वाले नंबरों में। ठीक है, रूट वाले नंबरों में कैसे करेंगे हम, अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे, तो रूट थ्री कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, रूट थ्री। यहाँ तो अपने पास बच जाएगा रूट टू, यहाँ बचेगा माइनस वन। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं ए टू में से ए वन माइनस करता है। ठीक है, यानी कि रूट नाइन में से रूट सिक्स माइनस करता है। ठीक है, वही कॉमन क्या आएगा, रूट थ्री। यहाँ तो बचेगा कितना, रूट थ्री, और यहाँ अपने पास बचेगा माइनस में रूट टू। तो दोनों कैसे हैं, डिफरेंस डिफरेंस है। एक बार फिर से करके देखते हैं, देखो ए थ्री में से ए टू माइनस करते हैं, ए थ्री अपने पास है रूट ट्वेल्व में से माइनस करते हैं रूट नाइन, वही रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा रूट फोर माइनस में रूट थ्री। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसे मान लो इसको नंबर दे दो चाहे तो, अब हम कैसे लिख सकते हैं कि ए वन माइनस ए नॉट इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, सो दिस सीरीज इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या दिस सीरीज इज नॉट इन नॉट फॉर्म ऑफ ए पी, है ना, इज नॉट फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में ये सीरीज अपने पास नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा था ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, अब है इससे नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो फिफ्थ, रूट टू, रूट एट, रूट एटीन एंड थर्टी टू। ठीक है, चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस डी, रूट एट माइनस रूट टू। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा रूट टू, यहाँ अपने पास बचेगा रूट फोर माइनस वन। ठीक है, तो रूट टू फोर कितना होता है, अंडर रूट टू, टू में से माइनस गया तो वन, अपने पास केवल रूट टू ही बचेगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, रूट टू रूट फोर है ना, रूट फोर की वैल्यू क्या होती है, टू में से माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा, वन, वन का मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो केवल रूट टू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं रूट एटीन माइनस रूट एट, क्लियर। कॉमन कितना आएगा, टू ही लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट टू ही कॉमन ले लेते हैं, ये तो हो जाएगा रूट नाइन, ये हो जाएगा रूट फोर। ठीक है, तो ये तो है रूट टू ही, देखो रूट थ्री, रूट नाइन कितना होता है थ्री, रूट फोर कितना होता है माइनस के टू, थ्री माइनस टू करेंगे तो वन, वन का मल्टीप्लाई रूट टू से करो, क्या आ गया रूट टू। तो देखो ये दोनों कैसे आ गए, सेम। चाहो तो एक बार और चेक कर लो, थर्टी टू माइनस एटीन, वही रूट टू कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा रूट सिक्सटीन और यहाँ से आ जाएगा रूट का नाइन, रूट टू बाहर, ये 16 होता है 4 और ये होता है 3, वन बचेगा केवल क्या आएगा रूट टू। ठीक है, तो डी कितना आ गया अपने पास, रूट टू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट फोर टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसमें रूट टू ऐड कर दो, ठीक है, 32 में 32 प्लस रूट टू, तो देखो
30 प्लस रूट टू है, तो ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, कॉमन आएगा, कॉमन ले लो दोनों में से, कितना आएगा कॉमन, कॉमन आएगा रूट टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 में से रूट टू कॉमन ले लिए, कितना जाएगा रूट 16, और ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक, कितना आ गया रूट टू प्लस 16। देखो अब 16 को हम 4 लिख सकते हैं, रूट टू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, तो 2 5 या रूट टू इन टू में 5। देखो 5 को अगर हम अंडर रूट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया 50। अब देखो रूट 50 क्या होगा, रूट 50, अब रूट 50 में ऐड करते हैं कितना, जैसे मान लो रूट 50 में हमें वही ऐड करना है रूट टू, वही सेम रूट टू कॉमन लिया, यहाँ बचे रूट में 25, यहाँ बचा प्लस में 1, तो ये तो वही ऐसे हो जाएगा रूट टू 5 प्लस में 1 6, तो रूट टू 6 को अंडर रूट में लिखते हैं तो कितना आएगा 36, ये हो जाएगा 72। अब 72 प्लस करते हैं रूट टू, वही रूट टू कॉमन लिया, ये हो गया 36, यहाँ बचेगा प्लस 1, ये हो जाएगा रूट टू, देखो ये 6 प्लस 1 7 यानी 49, तो 49 का मल्टीप्लाई कर दो 98, ठीक है। तो ऐसे हमने नेक्स्ट टर्म इसमें फाइंड कर ली, तो इसमें भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। तो देखो 6 और 6 सिंपल सा है, a है, a 2 2a 3a 4a है ना, और जो अपने पास 7th है ना वो अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है ही नहीं, माइनस करके देख लेना ना, 7th वाले में जब भी माइनस करके देखोगे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में आएगा ही नहीं। अब मैं 3rd का लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, 3rd का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, यही है, आगे भी है यही है, तो चेक करते हैं सबसे पहले डी, रूट ये 3 प्लस रूट टू में से माइनस करेंगे 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, क्या बचेगा रूट टू। अब करते हैं हम फिर से चेक करते हैं किस में से, 3 प्लस 2 रूट टू में से माइनस करेंगे 3, ये भी हो जाएगा माइनस का रूट टू, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 रूट टू माइनस के रूट टू, ठीक है, रूट टू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है, तो यहाँ भी कितना जाएगा रूट टू, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, रूट टू ऐड कर देंगे, देखो 3 प्लस 3 रूट टू प्लस में रूट टू, ठीक है, देखो ये तो है 3, हमें तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, रूट का नंबर ये नहीं, 3 तो अलग ही रहेगा, तो देखो 3 यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या रूट टू प्लस में मैं रूट टू कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ तो बचेगा कितना 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 रूट टू, तो 3 प्लस 4 रूट टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट टू, तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, फिर इसमें अगला तुम रूट ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू, 3 प्लस 6 रूट टू, 3 प्लस 7 रूट टू, 3 प्लस 8 रूट टू, ठीक है, ऐड करके देख लेना रूट टू रूट टू रूट टू सब में यही आएगा। तो आज अपनी एक्सरसाइज हो गई कौन सी 5.1 कंप्लीट, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए उनको करके देखना है, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन से नहीं हुए, उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ। थैंक यू।